Hello everybody, this is Pratik Patel from Nifty Millionaire. How are you all? So let's discuss आज जो मार्केट आज एक्सपायरी रहा. अगर आप लोगों को याद हो तो कल हमने डिस्कस किया था कि इफ़ यू वॉन्ट हेड एक एंड इफ़ यू आर अ ट्रेंड फॉलोअर देन डू द ट्रेडिंग इन दिस मार्केट. आप देखिए सुबह में मार्केट ओपन हुआ थोड़ा डाउन, देन उसके बाद नीचे गया. लेट मी डू द थोड़ा छोटा सा वो ले लेता हूँ तो आप सब लोगों को थोड़ा प्रॉपर देखें. राइट सो आप देख सकते हो मार्केट नीचे गया, देन लास्ट में एक आवर्स में ऊपर चला गया. तो अगर अगर आपने सेल करके भी पोजीशन रखा खड़ा रखा तो आप लॉस में आ गए. अगर आप सुबह में लॉन्ग किया और खड़ा रखा तो देन ऑल्सो यू आर इन लॉस. राइट सो आप जहाँ से मार्केट शुरू हुआ ऑलमोस्ट वहाँ के आसपास ही क्लोज हुआ. सो द पॉइंट आप लोगों को अगर याद हो तो हमने कल डिस्कस किया था कि अभी का जो मार्केट है वो है बाय द वीकनेस सेल द स्ट्रेंथ. तो आप देखिएगा जब भी मार्केट अगर आप इंट्राडे में अगर अपॉर्चुनिटी देखो तो वेयर वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग, राइट, फॉर द रिस्क, लो रिस्क. जैसे हमने डिस्कस किया ब्रॉड ट्रेंड और माइक्रो ट्रेंड भी पॉजिटिव टू न्यूट्रल है. तो मार्केट नीचे गया, उसके बाद आप देखो लो काटा, राइट, ये लो काटा पर उसके बाद सस्टेन किया, देन पहला एक मूव आया. तो यहाँ पे आपको एक एंट्री मिल सकता था लो रिस्क अगर आपको करना है तो, राइट, देन एक मूव आया. सो द पॉइंट इज ये मार्केट अभी है कि बाय द वीकनेस सेल द स्ट्रेंथ. अब आप देख सकते हो एक ब्रॉड ट्रेंड, वो भी बहुत कन्फ्यूजन है, काफ़ी टाइम से एक रेंज में ही घूम रहा है बाजार. मेरे अकॉर्डिंगली अब निफ्टी 18,400 जो रिसेंट हाई है 18,410 या 420 उसके ऊपर जब तक निकलता नहीं है तब तक माइनर न्यूट्रल टू वीक कैटेगरी में है. इधर ये 18,100 तोड़ दे या ऊपर में 18,400 तोड़ दे देन इट इज़ अ क्लियर रेंज जहाँ से हमें एक बहुत ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है नई एक्सपायरी में. तो मेक श्योर आप ये दोनों लेवल को ध्यान रखिए, ये 18,000 नीचे में 100 है और ऊपर में 18,400 से 420 का जो रेंज है. जब तक इसको हम ब्रेक नहीं करते तब तक वी कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ अप और डाउन मूव्स, राइट. सो लेट्स वेट मार्केट जब रेंज क्लियर करता है. कल की बात करें अगर तो मे बी मार्केट ऊपर में यहाँ पे जा सकता है. उसके बाद अगर मान लो मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है तो यू कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज. और अगर आपको लॉन्ग करना है तो आइदर मार्केट नीचे में यहाँ पे कहीं पे आता है और उसके बाद बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो लोग सेम वे वी हैव टू सेल द स्ट्रेंथ एंड वी हैव टू बाय द वीकनेस. बट वीकनेस और स्ट्रेंथ में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी लो रिस्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो हमें उसको ही देखना है. आई होप इट इज़ क्लियर, राइट. लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो सेम वे बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे ब्रॉडली काफ़ी टाइम से एक रेंज है. ब्रॉड मार्केट एक तेजी किया उसके बाद एक बड़ा रेंज क्रिएट हो गया है और वही रेंज में बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है. देर इज़ नो क्लियर ट्रेंड. एज आई मैंशन यस्टरडे इफ यू वॉन्ट अ हेड एक एज अ ट्रेंड फॉलोअर देन ट्रेड दिस मार्केट, राइट. सो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी भी सेम ही है. जो रिसेंट हाई है बैंक निफ्टी का 44,100 जो 200 का एक रेंज है, राइट, वो जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है या नीचे में अगर आप देखो तो ब्रॉड ट्रेंड अगर आपको चाहिए तो 42,600 एंड अगर आपको ब्रॉड ट्रेंड के पहले एक ट्रेंड चाहिए जो माइनर ट्रेंड जहाँ से भी वीक हो सकता है तो बेसिकली दिस इज़ द लेवल, राइट. 43,000 अगर आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो 43,300 को अगर ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है वॉल्यूम के साथ तो देर इज़ अ टू रेंज. वन इज़ अ 44,100 एंड नीचे में पहला लेवल है 43,300 एंड मेजर अगर हमको रिवर्सल चाहिए तो 42,600 है. जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं करता है तो बेसिकली बैंक निफ्टी इन रेंज आपको लगता है तो ये आप देखो ब्रॉड ट्रेंड देखोगे तो आपको लगेगा इट इज़ इन अ माइनर रेंज, राइट. सो बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन क्या आप टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो. अगर जो पोजिशनल करते हैं तो उनके लिए बैंक निफ्टी क्या है अभी इन रेंज बाउंड है. कोई स्काल्पिंग करता है तो उसको लगता है कि ट्रेंड मिल रहा है. तो बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट टाइम फ्रेम यू ट्रेड, राइट. सो सेम वे जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया अगर यहाँ पे जाके आपको एक यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन के फिर नीचे आता है तो यू कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज. द सेम वे अगर आपको बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर नीचे आता है उसके बाद फिर ऊपर में जाता है तो यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. देर इज नो क्लियर ट्रेंड. रिमेंबर बाय द वीकनेस सेल द स्ट्रेंथ, राइट. सेम वे अगर आप देखते हो स्मॉल कैप इंडेक्स भी आप देख सकते हो रेंज में जिस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी बट देर इज़ नो क्लियर डाउन ट्रेंड. जब तक 9700 को हम ब्रेक डाउन नहीं करते वॉल्यूम के साथ तब तक ये ट्रेंड रेंज बाउंड टू न्यूट्रल है, राइट, एंड बुलिश कंटिन्यूएशन है. आई होप इट इज़ क्लियर विथ यू. या
देन लेट्स लुक एट द फ्यू स्टॉक्स. एक है ट्रेंड लिमिटेड. सो काफ़ी लोगों को अगर पता ना हो तो ट्रेंड लिमिटेड इज अ कंपनी बाय टाटा, एंड जो आप वेस्ट साइड और टाटा क्रोमा देखते हैं उसकी ऑनरशिप ट्रेंड लिमिटेड में. तो एक रेंज था, बहुत टाइम के बाद नीचे गिरा और उसके बाद एक अप मूव दिया है, उसके बाद अभी कंसोलिडेशन कर रहा है. तो यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज जो है, और रिसेंट आपका जो लो है 1460, दैट शुड बी द रिस्क लेवल इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर. टारगेट शुड बी यू नो 15,070, 1600, 1800. यू कैन लुक फॉर द पोजिशनल साइड, राइट. देन देर इज अ भारती एयरटेल, आप देख सकते हो काफ़ी टाइम से स्टॉक अप ट्रेंड में है. लेट सी द ब्रॉड ट्रेंड फर्स्ट, मंथली में देखते हैं कि क्या है. बड़ा पिक्चर अगर आप देखेंगे, स्टॉक ने ऑलमोस्ट अब तक 2008 से लेके अब 2008 अगर आप पकड़ लो और अगर आप अभी पकड़ लो, कितना साल हो गया, आप देखो कितने साल का ब्रेकआउट है ये, ऑलमोस्ट 13-14 साल, राइट. उसके बाद स्टॉक ने एक रेंज ब्रेक किया जो रेंज बाउंड है, और ये पहला मूव है. सो आई थिंक ये स्टॉक का आफ्टर ऑलमोस्ट डिकेड द ट्रेंड चेंज हो रहा है. तो ये सब स्टॉक्स अगर आप लार्ज कैप करते हो, अगर ब्लू चिप करते हो, तो आपके पास जैसे DLF हमने डिस्कस किया था, सेम वे भारतीय एयरटेल भी वैसा ही स्ट्रक्चर है. तो आपको देखते रहना चाहिए जहाँ पे. अब रिसेंट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो, अगर पोजिशनल जैसे आप 1-2 साल के लिए, जब तक 600 के नीचे नहीं जाता ये स्टॉक इन अप ट्रेंड ओनली, राइट. सो बेसिकली अगर आप देख सकते हो डेली में काफ़ी टाइम से स्टॉक स्मॉल करेक्शन में था. लेट मी शो यू ना, उसके बाद स्टॉक ने एक रेंज बनाया, देन स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, फिर अगेन नीचे आया, देन स्टॉक आज एक्सपायरी के दिन ब्रेकआउट आया है. तो यू कैन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ इन भारतीय एयरटेल ऑन अ पोजिशनल बेसिस. सो लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट लेवल, राइट. 1 मिनट. या सो जब तक 780 या मोटा मोटी 770 का एक रेंज भारतीय एयरटेल नहीं तोड़ता है, तो ये पोजिशनल है. अगर आपको और भी शॉर्ट टर्म चाहिए तो यू कैन लुक फॉर 780 रिस्क लेवल. लुक फॉर द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी इन वॉट एवर यू डू, राइट. एंड द ऑब्जेक्टिव कैन बी ऑल टाइम हाई, देन उसके बाद 900, 950, राइट. सो आई होप आप लोगों को हमारा जो डेली का सीरीज है वो अच्छा लग रहा होगा. एंड इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग ऑल्सो, आप अच्छी चीज़ें मत लिखो. अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता है तो आप ज़रूर लिखिए कि वॉट वी कैन इम्प्रूव. एंड ये जो भी हम कर रहे हैं, बेसिकली वी ऑल वॉन्ट कि भाई आप लोग भी सीखे कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम आपको कोई टिप्स दे या कोई आइडिया दे, बिकॉज आप अगर अपने आप में कन्विक्शन बिल्ड नहीं करेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर. सो लर्न फ्रॉम हाउ वी डू एनालिसिस एंड यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर कन्विक्शंस, जिससे आप अपना कैपिटल भी ग्रो कर पाओ एंड आपका कन्विक्शन भी ग्रो कर पाओ. आई होप यू आर ऑल लर्निंग एंड शेयर योर लर्निंग्स. एंड मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग वीडियो में कॉमेंट्स करते हैं, तो आपको सजेशन है कि आप कॉमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए. एंड इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर कीजिए. एंड वी हैव अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम हर रोज चार्ट ऑफ द डे पब्लिश करते हैं, तो सब्सक्राइब इन द टेलीग्राम चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स मिलेगा. एंड वी हैव वन इवेंट ऑन सैटरडे जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इज़ द न्यू बुल मार्केट हैज स्टार्टेड, इफ़ यस देन व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी. सो ज्वाइन, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. सो ज्वाइन द वेबिनार. एंड ये फर्स्ट टाइम हमने ओपन किया है फॉर द पब्लिक, सो जो ओनली एक्सक्लूसिव फॉर द मेम्बर्स होता है. तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड लर्न दैट हाउ टू लुक एट द ग्लोबल मार्केट एंड हाउ टू फाइंड द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल अगेन. या